आठ बज चुका है, आठ बजने के साथ ही मैं अयोध्या से आपके साथ जुड़ गया हूँ जयप्रकाश शर्मा। और अयोध्या से खास बुलेटिन हम लेकर आए हैं राम की पैड़ी से। जी हाँ, तो राम की पैड़ी से हम बात करेंगे यूपी मांगे उत्तर की, और यूपी मांगे उत्तर में बात वही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है। रामलला की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो तस्वीर विराजमान हुई है, जो गर्भगृह के अंदर रखी गई है, आपको बता दें कि वो 5 साल की है। उसकी बहुत सारी खासियत है कि वो हजारों साल तक उस पर कुछ असर नहीं होगा, उसकी चमक वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, दिग्विजय कह रहे हैं कि आखिरकार इस मूर्ति की जरूरत क्या थी, पुरानी मूर्ति कहाँ है जिसको लेकर कोर्ट में केस चला। यानी वार पलटवार हो रहा है, शुभ घड़ी है, लेकिन शुभ घड़ी में भी कहीं ना कहीं सियासत तराशी जा रही है, सियासत यहाँ वार पलटवार के बीच हो रही है। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। बाईस जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। राम को राम की नाम सामने रखकर चुनावी रोटी सेकने वाले पार्टियां, ये देश में भेदभाव की राजनीति करते रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। इग्नोर कीजिए उनको, इग्नोर कीजिए, अब सिर्फ श्री रामलला का दिन है। जो रामलला के बुलावे पे चल के राम मंदिर तक नहीं आए, भारतवर्ष उनको पहचान चुका है। वो धर्माधिकारी हैं और उन्होंने कहा है कि ये विधि विधान के विपरीत है। जो आज जो उन्होंने दिखाई है मूर्ति, इसमें कि उसमें 5 साल की आयु के वो उसका स्वरूप है राम जी का। निर्माणाधीन मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होना उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह के लिए सलाह है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के मन में बाबर का जिन प्रवेश कर गया है, इसके नाते ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सियासत हो रही है, दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे, भाई आपने निमंत्रण स्वीकारा नहीं, आपने निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन आप सवाल क्यों कर रहे हैं और नई मूर्ति की जरूरत क्यों है? पहले आप ये जान लीजिए, जो नई मूर्ति के मुकाबले, जो आपको बता दें कि जो पुरानी मूर्ति है उसके मुकाबले नई मूर्ति है वो काफी बड़ी है। अगर हम बात करें पुरानी मूर्ति के मुकाबले, वो काफी बड़ी है। पुरानी मूर्ति थी वो 6 इंच की है, और नई मूर्ति की जो बात करें, लंबाई की बात करें, तो वो 51 इंच है, इसलिए नई मूर्ति की जरूरत पड़ी है। भक्तों को सुलभता से रामलला के दर्शन होंगे, क्योंकि भक्तों को आसानी से दर्शन होंगे। अभी आपने गए होंगे कि छोटी रामलला आपको नजर आते हैं, तो भक्तों को सुलभता से दर्शन हो चुके हो सकेंगे रामलला के। मूर्ति 51 इंच लंबी है, 51 अंक शुभता का प्रतीक है। जैसे हम कहते हैं 11, 21, 51, तो 51 शुभ अंक माना जाता है, हिंदू धर्म में दान के लिए, तमाम चीजों के लिए माना जाता है। पुरानी मूर्ति भी गर्भगृह में ही स्थापित होगी। जी हाँ, पुरानी जो मूर्ति है वो गर्भगृह में स्थापित होगी, यानी ये रामलला तो विराजमान हो ही रहे, लेकिन पुरानी मूर्ति भी आपको बता दें गर्भगृह के अंदर स्थापित होगी। तो ये मूर्ति इसलिए जरूरी है, और इस मूर्ति के अंदर क्या खास है, ये एक बड़ी बात है। चलिए हमारे साथ, आपको बता दें बहुत सारे मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों का रुख करेंगे, मेहमानों से चर्चा करेंगे, और यूपी मांगे उत्तर में बात करेंगे कि आखिरकार सवाल क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे क्या क्या सवाल हैं वो हम आपको बता रहे हैं। नई मूर्ति पर कांग्रेस क्यों कर रही है राजनीति, पहला सवाल। भाई आप तो न्योता भी ठुकरा रहे हैं, सवाल ये कि आप न्योता ठुकरा देते हैं लेकिन नई मूर्ति पर आप सवाल उठा रहे हैं।
क्या नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा धर्म शास्त्रों के विपरीत है? क्या धर्म शास्त्र ये कहते हैं कि नई मूर्ति की प्रतिमा का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है? राम लला की राह में कितने कांटे, क्योंकि लगातार कभी कोई मुस्लिम धर्म गुरु बोल देता है, कोई समाजवादी पार्टी का सांसद बोल देता है, कभी कोई कांग्रेस का नेता बोल देता है, कभी समाज तमाम नेता आपको बता दे, चाहे वो तमिलनाडु के हो, केरल के हो, बहुत सारे नेता सवाल उठा देते हैं। और राम नाम पर राजनीति कब तक होती रहेगी? एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राम नाम पर राजनीति कब तक होती रहेगी? ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं और मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा। राघवेंद्र सिंह है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ पुनीत पाठक हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अंकुर सक्सेना है, प्रवक्ता आरएलडी के, और इसके अलावा आपको बता दें साध्वी गीतांबा हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह भी जुड़ गए हैं जो अयोध्या में हैं। पहले अजीत का रुख करेंगे, फिर तमाम मेहमानों का रुख करेंगे। अजीत, अयोध्या में जरा जानिए, नब्ज टटोली है क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, सिर्फ अब 3 दिन बाकी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा, जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, उसी पर सवाल उठा रहे हैं, और वो मूर्ति अब सबके सामने भी आ चुकी है। देखिए, बिल्कुल सामने जो है रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा चल रही है जेपी, और पूरी दुनिया के राम भक्त अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं, और सभी राम भक्तों का एक ही कहना कि 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। लेकिन कांग्रेस जिस पर राजनीति कर रही हो, कभी मूर्ति पर सवाल खड़ा करती है, कभी कहती है मंदिर नहीं बनना चाहिए, आपको क्या लगता है जितना कांग्रेस कहती है कि मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो सियासत हो रही उसको क्या कहेंगे? विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का समय खराब होता तो बुद्धि मत आती है। कांग्रेसी क्या जो राम के विरोधी है वो लोग पागल हो चुके हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे मूर्ख हो रहे हैं ये लोग, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारी कितनी पीढ़ियों ने मंदिर को टूटते हुए देखा है, और हम लोग मंदिर बनते थे कितने भाग्यशाली है, और परम सौभाग्य तो ये रामलला प्रतिष्ठित में हम लोग आए हुए हैं। आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, धर्म के ऊपर, राम के ऊपर। ये गलत हो रहा है, नहीं लगनी चाहिए, निर्माणाधीन मंदिर है, बाद में पूजा होनी चाहिए, ये सारे के सारे मूर्ख हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, बिल्कुल पागल। देखिए, उनकी अपनी सोच है, वो राम की महिमा को शायद उतनी गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं। ये सदियों के बाद एक उत्सव हुआ है, हम लोग उत्सव धर्मी हैं, और भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से भगवान का कार्य होता है। यही देश नहीं, मैंने तो सुना है कई देश राममय हो चुके हैं, बिल्कुल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, तो राम राम हो रहा है। जब विदेशी तुम्हारी संस्कृति को हृदय से स्वीकार कर रहा है, तो आप किसी भी विचारधारा के हो, हमें उससे मतलब नहीं है। राहुल है, पहले लोग खड़गे हैं, कहते हम, पहले कहते कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, जब मिलता तो कहते कि हम नहीं आएंगे, नहीं, बाद में खड़गे जैसे लोग राम के सत्य स्वरूप को स्वीकार, उनको अपने अंतर राम को खोजना चाहिए। जब हृदय में अंतर राम को, पर पीड़ा को, वेदना को जानेगा। कांग्रेस की तरफ से पुनीत पाठक जी है।